किचन में आपके स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राधा बल्लभी। तो आइए इसके रेसिपी शुरू करते हैं। राधा बल्लभी बनाने के लिए हमने एक कटोरी मैदा ले लिया। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक चम्मच तेल डालेंगे, रिफाइन ऑयल। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा बना लेते हैं। थोड़ा ये देखिए, ये मैदा हमारे बनके तैयार हो गया। सॉफ्ट बनाया, ज़्यादा टाइट नहीं किए। ये 10 मिनट के लिए रख देते हैं ढक के। अब गैस में एक कढ़ाई रखे, इसमें मसाला बना लेते हैं। दो मिर्च डाल रहे हैं, एक चम्मच धनिया पाउडर, धनिया साबुत धनिया, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ। ये वाला मसाला राधा बल्लभी के लिए ज़रूरी है। ये हम पाउडर से नहीं बना सकते, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर से नहीं बना सकते। ये साबुत मसाला बनाना पड़ता है। थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे ऐसे, फिर मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए मसाला में कलर चेंज हो गया, खुशबू आ रही है। ये हो गया, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अभी मिक्सी में थोड़ी पीस लेते हैं। कढ़ाई में एक टीस्पून जितना तेल डाल दिए। अब राधा बल्लभी बनाने के लिए हमने उड़द का दाल भिगो के रखे थे 5 घंटा पहले, और फिर वो पानी निकाल के अच्छी तरह से साफ करके ये दद्दरा पीस लिया। मिक्सी में एक पेस्ट बना लिया। अब ये तड़का लगाते हैं। तो इसके लिए एक चम्मच रिफाइन ऑयल डाल दिए। थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। अब ये जो उड़द की दाल बन पीस के रखे थे हम, ये डाल देते हैं। दद्दरा पीसे थे, ये थोड़ी देर ऐसे भून लेते हैं। ये राधा बल्लभी के, अब इसमें जो हमने भुना हुआ मसाला बनाए थे, ये 2 टीस्पून डाल देते हैं। इसमें भुना हुआ मसाला ज़रूरी है, दूसरे मसाला हम डाल नहीं सकते, क्योंकि यही मसाला इसमें अच्छा लगता है। क्योंकि ये मसाला हम राधा बल्लभी के अंदर डालेंगे तो ये भुना हुआ मसाला से बनता है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। अब ये भून लेते हैं। ये देखिए राधा बल्लभी का मसाला हमारे बनके तैयार हो गया है। ये एक बर्तन में निकाल लेते हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। ये हमने स्लो फ्लेम में 10 मिनट तक भून लिया। राधा बल्लभी के लिए आटा तैयार करके रखे थे हम लोग। ये अब छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी गोला ले रहे हैं, क्योंकि राधा बल्लभी का जो पूरी है वो थोड़ा मोटा होता है। अब ये थोड़ी कटोरी के जैसे शेप देते हैं ऐसे हाथ से। ऐसे बना लिया। अब ये जो मसाला हमने बनाए थे दाल का, उड़द डाल के, ये डाल देते हैं। और इस तरह से ये बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसे बंद कर दिया। ये अच्छी तरह से बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फ्राई करते टाइम खुल जाएगा। ये बंद कर दिया। अब थोड़ी सी तेल के तेल लेंगे और तेल लगा के ये बेल लेंगे।
धीरे धीरे बेलेंगे, हल्का हाथों से, ज़्यादा दबाएंगे नहीं, साइड से बेलने से अच्छा होगा, बीच में ज़्यादा ना दबाए। राधा वल्लभी के लिए आटा का गोला थोड़ा मोटा लेना पड़ता है, क्योंकि राधा वल्लभी के जो पूरी है वो थोड़ा मोटा बनता है। अच्छे से गर्म हो गया, अब राधा वल्लभी का पूरी डालते हैं तेल में। गैस का फ्लेम अभी तेज ही है, अब उल्टा कर देते हैं, धीरे धीरे थोड़ा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। दोनों साइड थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर आने देते हैं, थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। कितने अच्छी तरह से फूल गया ये। और गैस का फ्लेम कम रखिए, नहीं तो जल जाएगा। देखिए राधा वल्लभी हमारे तैयार हो गया, कितना क्रिस्पी कुरकुरे और कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है। अब ये निकाल लेते हैं, अब दूसरे डालते हैं। देखिए एक और बन के तैयार हो गया, सब कितनी फूली फूली अच्छी सी बन रहा है, एकदम क्रिस्पी कुरकुरे। ये भी तैयार हो गया बन के, अब ये भी निकाल लेते हैं। अब चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारे राधा वल्लभी बनके तैयार हो गया है, फूली फूली क्रिस्पी कुरकुरे राधा वल्लभी। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। आप भी बना के देखिए, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगेगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।